सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज हम 450X अथर में पीछे के ब्रेक शू डालेंगे, ठीक है, रियर ब्रेक पैड्स डालेंगे और वन बाय वन करके हम सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आप घर पे ही डाल सकते हो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो ब्रेक पैड्स लगेंगे वो RS या NS के लग जाएंगे, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर से सबसे पहले अपन को जो ये वाला निकालना है, ठीक है, एंकल और एक ये वाला, ठीक है, दोनों हम निकाल देंगे। उसके बाद में देखो भाई, ये पिस्टन टाइप है एकदम, ठीक है। इसको ऐसे कैसे अपन अंदर पुश करके, जैसे जैसे वीडियो में दिख रहा है ना, वैसे वैसे अपन को निकालना है और वैसे ही डालना है सेम एज इट इज़, ठीक है। अब इसमें अपन स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको थोड़ा पुश करके निकाल देंगे। ये देखो भाई कितने ईजिली बाहर आ गए, ठीक है। अब लगाना भी उतना ईजी रहेगा। ये देखो भाई, इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा घिस गई है भाई, बहुत ही ख़राब हो गई है, ठीक है। ये दिखाता हूँ मैं आपको। अब भाई नए लगाएंगे तो ये पल्सर NS 200 या पल्सर RS 200 में से कोई से भी आप लगा लेना, इसी के ही लग जाएंगे, ठीक है। ये देखो अथर, ये भाई 450X। सो भाई इसके लग जाएंगे ये देखो पैड्स, और ये पुराने वाले पैड्स देखो कितना डिफरेंस है भाई, कितने घिस गए हैं वो। बस भाई एक है ना प्रो टिप आपको दे देता हूँ, अगर आप इस लगाने से पहले ना एक बार हल्का सा नए डिस पैड्स पे रेजमाल मार लेना, ठीक है, और डिस प्लेट पे भी, ठीक है, उससे और अच्छे जो कार्बन रहेगा ना वो हट जाएगा और अच्छी ब्रेकिंग हो जाएगी, ठीक है, पहले से, क्योंकि पुराने डिस पैड्स में है ना कार्बन रहता है हल्का फुल्का, तो वो जाके डिस प्लेट पे लग जाता है। ओके, अभी भाई देखो ये नए ब्रेक शू जो है, ब्रेक पैड्स जो हैं ये इंस्टॉल करते हैं। सो ये देखो भाई, ये जो साइज़ है ये भी एकदम सेम है, नए वाले का भी और पुराने वाले का भी। अब भाई इसको लगाते हैं, ठीक है। अब देखो अपन थोड़ा सा गैप बनाएंगे और जैसे जैसे वीडियो में दिख रहा है ना वैसे वैसे स्टेप फॉलो करना है। एक स्क्रू ड्राइवर से ही देख लो आप, मतलब कंप्लीट ब्रेक पैड्स लगा लोगे, आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी अपन ने दोनों सेट कर दिए, ठीक है, और ये एंगल जो थी, ये जो पिस्टन था सॉरी, इसको हम वापस इसके अंदर ऐसे कैसे ढाल देंगे, ठीक है। अब एंकल जो खोली थी हमने वो वन बाय वन करके फिट कर देंगे, अभी देखना आप। सो भाई थोड़ा सा एडजस्ट करने में अगर आपको दिक्कत हो ना तो आप ब्रेक पैड कैलिबर को, ठीक है, ब्रेक कैलिबर को आप अपने हाथ से पूरा दबा के और पुश या पुल कर सकते हो, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, बट ज़्यादा तेज़ मत करना भाई, क्योंकि नहीं तो ये बाहर आ जाएगा और बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट हो सकती है फिर, समझ रहे हो आप, आपको लगाने में फिर उसमें बैठेगा नहीं इतना, ठीक है। अब ये देखो ऐसे अपन को लगानी है, जैसे खोला था ना वैसे ही अभी एंकल लगा देनी है बस। अब भाई अपना काम हो जाएगा। सो भाई फिट कर रहे हैं अब इसको, लगभग लगभग तो हो गई है, बस थोड़ा सा ही रह रहा है, येलो हो गई भाई दोनों तरफ से, ठीक है। अब अपन को कुछ भी नहीं करना, अब अपन को सिर्फ भाई एक बार ब्रेक जो है ना वो दबा दबा के थोड़ा चेक करना है, उससे क्या है एकदम जो फ्लो रहेगा ना फ्लूड का अंदर की तरफ पाइप्स में वो पूरा कंप्लीट इधर उधर बैठ जाएगा। अभी अपन पैडॉक्स भी लगा दिया, पैडॉक्स लगाने तो लगा लेना यार, हमने तो सिर्फ एक बार चल्लू करके और ब्रेक लगाने के लिए चेक करा था पैडॉक्स, बाकी तो कोई इतना इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कैसे भी एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अभी ये देखो घुमा के चेक कर रहे हैं और ये ब्रेक भी लगा लगा के देख रहे हैं, ये देखो थोड़ा सा ना ब्रेक आपको लूज़ लगेगा, फिर आपको धीरे 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 जैसे जैसे आप लगाते जाओगे ना वैसे वैसे ब्रेक अपने आप वापस आ जाएगी। आप बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना कि यार ये ब्रेक इतने कम क्यों आ रहे हैं, कहीं मैकेनिक के पास जाऊँ या कुछ भी, तो भाई ढल गए।